भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता है। मित्रों, प्राणी चाहे अपने भविष्य को बदलने का कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे, चाहे वह सत्कर्म हो या कुकर्म, वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। मित्रों, आज मैं आपको इसी विषय में मनुष्य के भाग्य की लिखी एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपके मन की सभी आशंकाएं दूर होंगी। आप इसे पूरा ध्यान से सुने। एक समय की बात है, अध्यादेश में शिवकुमार नाम का एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह उस राज्य के राज मंदिर में पुजारी का काम करता था। वह सभी धर्मशास्त्रों में पारंगत और राजा का मुख्य सलाहकार भी था, जिस कारण से उसे पूरे नगर में बहुत सम्मान दिया जाता था और पूरे नगर में वह पंडित जी के नाम से प्रख्यात था। फिर एक दिन वह अपने बचपन के मित्र बलराम से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह मित्र बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के नगर से उसके मित्र बलराम का घर काफी दूर अन्य नगर में था। वहां जाने के लिए बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। सोमवार के दिन पंडित जी सुबह जल्दी उठकर अपनी पत्नी से कहते हैं, हे भाग्यवान, आज मैं मेरे मित्र बलराम से मिलने जा रहा हूँ। तुम जल्दी से मेरे भोजन को साथ में ही बांध के दे दो। बीच रास्ते में सही जगह देखकर भोजन कर लूंगा। तब उसकी पत्नी कहती है, ठीक है जी, मैं अभी आपके साथ भोजन सहित अन्य कुछ सामान देकर सारा प्रबंध कर दिए देती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए। अगर लौटने में देर हो जाए तो किसी धर्मशाला में आश्रय लीजिए। तब पंडित ने अपनी पत्नी की हाँ में हाँ भर दी और भोजन को साथ लिए वह घर से निकल पड़ा। मित्रों, पंडित जी रास्ते में अपने बचपन के मित्र बलराम से मिलने की खुशी में अपनी ही धुन में चले जा रहे थे। तभी चलते चलते उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो दिखने में बहुत हृष्टपुष्ट और श्याम वर्ण का था। उसकी वर्णी एक पहलवान जैसी थी, जिसे देखकर पंडित जी थोड़े से घबरा तो गए, क्योंकि दूर से उन्हें वह किसी राज्य के गुप्तचर जैसा लग रहा था। किंतु उसके हाव भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह किसी का इंतजार कर रहा है। जब पंडित जी चुपचाप वहां से गुजर रहे थे, तब वह भी पंडित के साथ चलने लगता है और पंडित जी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, मानो जैसे पंडित उसके जान पहचान का हो। पंडित जी सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से अपना सफर आसानी से कट जाएगा। बातों की शुरुआत करने के लिए पंडित जी ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम महाकाल बताया। मित्रों, पंडित को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने उसके इस विचित्र नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। उसके बातों से पता चला दोनों को एक ही गांव में जाना था। अब दोनों धीरे धीरे साथ में चल रहे थे। तभी रास्ते में एक गांव आता है। उस गांव का प्रवेश द्वार आते ही महाकाल ने पंडित से कहा, हे पंडित जी, आप आगे चलो, मुझे इस गांव में एक छोटा सा काम है, मैं उसे पूरा कर आपसे आगे के रास्ते में आपसे मिलता हूँ। तब पंडित ने कहा, ठीक है भाई, और वह आगे रास्ते में चल देता है। पंडित जी उसी गांव के बाहर वाले रास्ते से अगले गांव की ओर निकल पड़े। तब कुछ देर बाद उसी गांव में खबर फैली कि किसी एक व्यक्ति को जंगली सांड ने अपनी सींग में फंसाकर मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मार दिया और पूरा गांव उस जगह पर इकट्ठा हुआ। लेकिन ठीक कुछ ही देर में महाकाल पंडित के पास वापस आ गया और फिर से उन दोनों ने आगे चलना शुरू किया। अब आगे एक नदी को पार करके दूसरे गांव में जाना था और उसी नदी किनारे पर एक छोटी सी नाव थी। तभी पंडित और महाकाल सहित चार लोग उसी छोटी सी नाव में सवार होकर नदी को पार करने लग जाते हैं। जब वह नाव एक किनारे से दूसरे किनारे जाती है, तभी पंडित जी उस नाव से उतर जाते हैं। लेकिन महाकाल कहते हैं, पंडित जी, आप इस गांव के मंदिर की ओर जाओ, मैं आपको वहीं मिलता हूं। और पंडित जी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दूर जाते ही वह नाव अचानक से पानी में पलट जाती है और उसमें बैठे अन्य सभी लोग गहरे पानी में डूब जाते हैं। तभी पंडित जी लोगों को बचाने की कोशिश करने हेतु उसी नदी किनारे आते हैं, किंतु वहां कोई भी नहीं होता है। पंडित को पानी में तैरना नहीं आता था, इसीलिए वह मन ही मन दुखी होकर वहीं कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे। लेकिन तभी उनका राही मित्र महाकाल अचानक से नदी से बाहर आता है।
जिसे देखकर पंडित जी थोड़े खुश तो होते हैं, लेकिन महाकाल ने उन्हें बताया कि पंडित जी उस नाव में जो भी था मैं किसी को भी नहीं बचा सका और ना ही कोई बच सकता है। पानी का बहाव अब काफी बढ़ चुका है, जो हुआ विधाता की करनी है, चलो हम आगे चलते हैं। मित्रों, दुखी मन से पंडित जी महाकाल के साथ अब आगे की गांव की ओर निकल जाते हैं और चलते चलते तीसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। उस गांव के बाहर एक बड़ा ही सुंदर और विशाल शिव मंदिर बना हुआ था। वहां पर आराम करने की सुविधा काफी अच्छी लग रही थी और पंडित जी के मित्र का घर अभी वहां से बहुत दूर था और रात भी होने वाली थी। तो पंडित ने महाकाल से कहा, मित्र अभी रात्रि होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते हम थक भी चुके हैं और मुझे तेज भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर हम भोजन करते हैं। मैंने मेरे साथ कुछ भोजन लाया है, हम इसे ही मिल बांटकर खा लेते हैं और यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। ठीक है, आज की रात हम यहीं रुक जाते हैं। और महाकाल ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आप यहीं विश्राम करो, मुझे इस गांव में किसी को कुछ महत्वपूर्ण समाचार देने हेतु जाना है, आप भोजन करके यहीं विश्राम करो, मैं थोड़े ही समय के पश्चात वापस आकर भोजन कर लूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के कुछ ही समय के बाद उस गांव में अचानक अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और एक व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाते हुए भागता हुआ उस ओर आता है और कहता है, बचाओ बचाओ, मेरा घर और पूरा परिवार आग की चपेट में आ चुका है, हे भगवान मेरे परिवार की रक्षा करो। मित्रों, तभी चारों ओर से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। अब उस परिवार को बचाना मुश्किल था, कुछ लोगों ने प्रयास किया पर कोई उस परिवार को बचा नहीं सका। अब पंडित जी ने हैरानी से सोचा कि यह महाकाल जहां भी जाता है वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में महाकाल से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों ही सो गए। फिर अगली सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है, तब महाकाल ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने मित्र से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूंगा। यह कहकर महाकाल वहां से चला गया, लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं गए बल्कि वहीं खड़े होकर महाकाल को देखते रहे कि वह कहां जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद खेतों से लोगों की आवाज सुनाई देने लगी, किसी व्यक्ति के ऊपर पेड़ गिर गया है। सारे लोग उसे बचाने के लिए उस व्यक्ति की तरफ भागने लगे, पर लोगों के आने से पहले ही उस व्यक्ति की बरगद का पेड़ गिरने से मृत्यु हो गई। अब ठीक उसी समय महाकाल फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछ ही लिया, भाई आप जिस भी गांव में जाते हो वहां कोई ना कोई अनहोनी जरूर हो जाती है, क्या आप मुझे बता सकते हो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तब महाकाल ने मंद मुस्कान के साथ कहा, पंडित जी आप तो मुझे बहुत ज्ञानी पंडित दिखाई देते हैं, इसीलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानियों का साथ बहुत अच्छा होता है, इससे आपका सफर जल्दी खत्म होता है, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। हे पंडित ध्यान से सुनो, मैं एक यमदूत हूं और यमराज की आज्ञा से मैं उन लोगों के प्राण हरण करता हूं जिनकी आयु पूरी हो चुकी है। पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका और आभास हो रहा था, ये व्यक्ति जरूर कोई भौकाल है। महाकाल के मुंह से यह बातें सुनकर वह घबरा गया, लेकिन फिर भी वह हिम्मत करके पूछता है, अगर आप सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ अगली मृत्यु किसकी है। तभी महाकाल ने उत्तर दिया कि हे पंडित, अगली मृत्यु तुम्हारे उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो, और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे, तथा वह अपने अंतिम क्षण तुम्हारे गोद में बिताएगा और अपने प्राणों को त्याग देगा। यह बात सुनकर पंडित जी दंग हो गए और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और वे गहरी सोच में पड़ गए और मन ही मन सोच रहे थे कि अगर सच में यह महाकाल यमदूत हुआ तो उसकी यह बात भी सच होगी और इसी कारण से मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र बलराम की मृत्यु हो जाएगी, तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही ना जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। तभी धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पंडित तुम जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, लेकिन तुम्हारे अपने मित्र से मिलने ना जाने से नियति नहीं बदल जाएगी, होनी को कोई टल नहीं सकता, तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है और वह अगले कुछ ही पलों में घटित होने वाली है,
महाकाल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पंडित को बड़ा झटका लगा, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बातें पढ़ ली थीं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह महाकाल तो सच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि महाकाल जी यमदूत हैं, पर पंडित अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस भागते हुए जाने लगा। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफी देर से उसका ही पीछा कर रहा है। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था तथा एक पैर से अपाहिज भी था, इसीलिए ना तो वह पंडित को आवाज दे पाया था और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। भागने की तेजी के कारण उसे उसके तरफ तेजी से आने वाली घोड़ा गाड़ी भी नजर नहीं आई। घोड़े की तेज टक्कर ने उसे जमीन पर गिरा दिया। टक्कर इतनी जोर की थी कि जिसे बलराम सहा नहीं सका और वह धड़ाम से नीचे गिर गया। जल्दी से पंडित अपने दोस्त बलराम के पास गया और उसे अपने गोद में लिया। घाव इतना ज्यादा था कि बलराम ने पंडित की तरफ मंद मुस्कान के साथ प्राण त्याग दिए। पंडित जोर जोर से रोने लगा और रोते रोते महाकाल की ओर देखने लगा। अब उसके मुख से कुछ भी नहीं निकल रहा था, लेकिन मानो वह कुछ पूछना चाह रहा हो कि आखिर ऐसा क्या हुआ। तभी महाकाल ने पंडित के मन में उठ रहे प्रश्नों को समझकर कहा, हे पंडित, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वह वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन अपाहिज होने के कारण वह तुम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसी वजह से उसने उसकी तरफ तेजी से आने वाली घोड़ा गाड़ी भी नहीं दिखाई दी, पर फिर भी तुम ही अपने मित्र की मृत्यु का कारण बन गए। अब पंडित को पूर्णतः विश्वास हो गया था कि महाकाल ही यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राणों को हरना है। लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, सबको एक ना एक दिन अपना देह त्यागना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई, इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, हे यमदूत, जब मृत्यु मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोला, मैं तो हर पल हर क्षण सभी के साथ चलता हूँ, किंतु लोग पहचान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने, समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता है। तब पंडित ने कहा, अगर आप ही मृत्यु है तो क्या आप यह बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब, कहां और कैसे होगी? तब मंद मुस्कान के साथ महाकाल ने कहा, हे पंडित, किसी भी सामान्य जीव के लिए अपनी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी जीव हो वह अपनी मृत्यु के बारे में जानकर बहुत दुखी हो जाता है। हालांकि तुम ज्ञानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होंगे। आगे महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी, और सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। इतना कहकर महाकाल अचानक से वहां से अदृश्य हो गया, क्योंकि अब महाकाल के पास पंडित के साथ चलते रहने का कोई कारण न था। इसके बाद पंडित ने वहीं गांव में अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति से उसका क्रिया कर्म करके अपने गांव वापस आ गया। मित्रों, कहते हैं कोई प्राणी कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है, और मृत्यु से बचने का कोई ना कोई उपाय भी वह जरूर खोजता है, तथा वह उससे दूर भागने का हर संभव प्रयास भी करता है। तो पंडित ने भी वही किया, क्योंकि पंडित जी उस नगर के राजा के एक मुख्य सलाहकार थे, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा तक थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य ही निकाल लेंगे। तब पंडित जी यही सब सोचते हुए राज दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा से बीती सारी घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं।
तब राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे हर संभव प्रयास करने की सलाह मांगी। अंत में सभी ने विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उनकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएंगे। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाए ही ना तो उनकी मृत्यु टल सकती है। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी अच्छी और योग्य लगी। इसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था राजमहल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी नहीं मिलने दिया जाता था, लेकिन पंडित स्वयं कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को यह न लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। मित्रों, धीरे धीरे 5 महीने गुजरत गए और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिसके अगले दिन पंडित की मृत्यु होनी थी। तो जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी उसकी एक रात पहले पंडित डर के मारे जल्दी ही सो गया। जल्दी से वह रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए ताकि उसकी मृत्यु टल सके, यही सोचकर वह जल्दी सो जाता है। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं भी नहीं जानता था। तो फिर राजा मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। पंडित अपनी मृत्यु को लेकर बहुत चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से कई दिन सो नहीं पा रहा हो। तो उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ा। तभी नींद में ही पंडित अचानक से वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे नहीं रोका और ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही, अर्थात आंखें तो खुली थीं लेकिन उन पर दिमाग का नियंत्रण नहीं था, अपने राज्य की सीमा से बाहर दूसरे पड़ोसी राज्य में चला गया। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल के पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना ही कोई पूछताछ की गई। उन्हें लगा पंडित शायद कोई गुप्त समाचार लेकर आया है। वहां सभी लोग रात्रि का अंतिम प्रहार होने के कारण गहरी नींद में थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंचा जहां राजा और रानी एक साथ सोते थे। वहां का राजा लघु शंका के कारण कक्ष से बाहर चला गया था। नींद में होने के कारण वह पंडित रानी से छिपक कर सो गया। मित्रों, अब जब राजा अपने कक्ष में वापस आया तो उसने देखा पंडित रानी के बगल में सोया हुआ है। तब राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों से पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया और पंडित गिरफ्तार हो गया। अब पंडित की नींद खुल गई थी। ऐसा दृश्य देखते ही पंडित बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह दूसरे राज्य में और राजा के शयन कक्ष में कैसे पहुंचा, लेकिन वहां उसकी कुछ भी सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह होने पर राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया और कुछ देर बाद उस पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा क्रोध के कारण आंख बबूला हो गया और उसे फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म सुना दे दिया। फांसी की सजा सुनते ही पंडित कांप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर वह राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं आपके राजमहल तक कैसे पहुंचा हूं। मैं यह भी नहीं जानता हूं कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया और आपके महल के किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह होनी भी जा रही है। तभी पंडित की यह बात राजा को बहुत ही अजीब लगी और उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी है? राजा के इस प्रश्न के उत्तर में पंडित ने कहा, हाँ महाराज, एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी मृत्यु आज ही के दिन फांसी लगने से होगी, नहीं तो भला मैं स्वयं आपके कक्ष में आने का दुस्साहस क्यों करता। और आगे पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा कथन राजा को सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी भी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वह राजा के शयन कक्ष में रानी के साथ सो जाए। अब राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा अपनी मृत्यु की कोई भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और आज
यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा था। तो आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा, लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। मित्रों, जिस राज्य से पंडित आया था उस राज्य के राजा इस राजा का मित्र था, इसलिए इस राजा ने तुरंत अपने दो सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगने हेतु भेजा। भेजे गए सैनिक उसी दिन शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सब कुछ सत्य है, और पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने ही राजमहल में कर रखी थी। यह पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम को राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिले थे, और उसके बाद यह इस राज्य में कैसे पहुंच गया इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसीलिए उस राज्य के राजा के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना ठीक नहीं है। लेकिन राजा के सामने अब धर्म संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही सामने दिखी घटना के कारण पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी, और यह बात राज दरबार में कही गई थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, लेकिन अगर राजा की बात का मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाएगी। तभी राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा, तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए, इससे आपके वचन का भी मान रह जाएगा, और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी भी नहीं लगेगी और उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया, और यही सुझाव पंडित जी को भी बहुत पसंद आया और वे राजी हो गए। तभी राजा ने ऐसा ही करने का आदेश दे दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे से फांसी का फंदा बनाया गया, और नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। वहां के सभी लोग बहुत खुश थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना ही राजा का वचन खाली जाएगा। अब पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, इस सूत के धागे से तो उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, और पंडित जी हंसी खुशी से उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गए। जैसा कि धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी कि तुम खुद ही अपनी फांसी को स्वीकार करोगे, लेकिन जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिया था। धागा टूटने के कारण पंडित जोर से नीचे गिरा। नीचे गिरते ही राजा के रखे हुए तेजदार लोहे के जूते की नोच उसके गले में घुस गई। नोच इतनी तेजदार थी कि पंडित के गले की एक नस नोच के कारण फट गई। अब उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी। पंडित तड़फ रहा था, और देखते ही देखते पंडित का शरीर पूरी तरह से शांत हो गया। ये देख सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे भी किसी की मृत्यु हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। मित्रों, नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज की भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वह होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी ही सावधानी बरते, कितना ही उपाय कर लें, लेकिन घटना और घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर तरीके से जी सके, और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने की बजाय ज्यादा बेहतर जीवन जीता। मित्रों, इस प्रकार से प्राणी के जीवन में जो भी होने वाला होता है वह बस होकर रहता है। किसी भी जीव को सुखी और शांतिपूर्ण जीवन को जीने हेतु उसे अपने भाग्य तथा भविष्य के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। हर क्षण का आनंद लेते हुए अपने कार्यों को नित्य रूप से करना चाहिए, और सदा ही धर्म का आचरण करना चाहिए। भगवान के नाम में मग्न रहना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे रामा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपकी हां है तो हमारे चैनल को लाइक, और नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का धन्यवाद।